राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिला मुख्यालय नाहन में आज सिरमौर के सभी स्वयं सहायता समूहों की एक वर्कशॉप आयोजित हुई। वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह को आ रही समस्याओं के समाधान करने और उनके द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को और बेहतरीन बनाकर पेश करने पर महिलाओं को जागरूक करना था। ADC सिरमौर मनीष कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज स्वयं सहायता समूह की वर्कशॉप के आयोजन का मुख्य मकसद समूह द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को और अधिक बेहतरीन बनाकर मार्केट में पेश करना है, ताकि महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की डिमांड मार्केट में बढ़े। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह द्वारा वर्तमान में बनाए जा रहे उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग व मार्केटिंग सही न होने के चलते स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा। आज हमने जिला सिरमौर के अंदर नाहन ब्लॉक के अंदर जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन हैं और CLF हैं, उनके जो लेडीज हैं उन सभी को बुलाया है एक वर्कशॉप के लिए। तो इस वर्कशॉप के अंदर बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो मार्केट के अंदर वायबल हों, इनकी जो है पैकेजिंग, लेबलिंग और इनका ब्रांडिंग वो प्रॉपर तरीके से हो। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मंगवाए भी थे जिनके अंदर किसी के अंदर पैकेजिंग का इश्यू है, किसी के अंदर लेबलिंग ठीक नहीं है। तो हम अभी डिसाइड किया था हमने जिला लेवल पे कि हर एक ब्लॉक के अंदर एक एक पैकेजिंग और लेबलिंग की यूनिट हम खुलवाएंगे और वो यूनिट जो है इन स्वयं सहायता समूह की जो लेडीज हैं, जो स्वयं सहायता समूह इच्छुक होंगे उनको हम जो है हैंड होल्डिंग करेंगे। यहाँ पे हर एक ब्लॉक के अंदर एक यूनिट खुलेगी, तो हमारे पास यहाँ पे 7 ब्लॉक हैं, 7 यूनिट हमारे यहाँ पे खुलेंगे, ताकि इनके प्रोडक्ट जो है अच्छे तरीके से पैकिंग हो, अच्छी लेबलिंग हो और मार्केट के अंदर जो है वो वायबल हो। इसके अलावा हमने ये डिसाइड किया है कि जो स्वयं सहायता समूह हैं इनको हम स्वयं स्वावलंबन स्कीम के थ्रू, जिसमें 60 लाख तक का जो लोन है वो हमें मिलता है और 30% की जो सब्सिडी होती है वो भी हम इनको दिलवाएं, ताकि इनका स्केल जो है काम का वो बढ़े और ये जो खुद हाथ से जो प्रोडक्ट बनाती हैं कुछ जो मशीनों का भी उपयोग करें, ताकि प्रोडक्ट जो है वो वायबल हो मार्केट के अंदर। तो इसके लिए हमने डिसाइड किया कि हर एक ब्लॉक के अंदर हम इस तरह की वर्कशॉप करेंगे और इस वर्कशॉप के अंदर हम इनसे भी जानकारी ले रहे हैं कि इनको जो है क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कई बार जो है हम अपनी स्कीम में जो है थोपते रहते हैं और हमें पता नहीं रहता कि स्वयं सहायता समूह जो मौके पे जो काम कर रहा है उनको क्या समस्याएं आ रही हैं। तो इनसे भी हम जो है वार्तालाप करेंगे और उसके बाद जो है एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे, हर जो है ब्लॉक के अंदर एक यूनिट होगी और उसके बाद जो है हम इनकी जितनी सहायता जो है प्रशासन कर सकता है वो करेगा।